नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाती हैं। तो प्लीज इस वीडियो को टक से लाइक कर दी, और लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, तो प्लीज लाइक कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धनतेरस एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा दिन होता है जिसमें हम बहुत सारी शक्तियां अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। आप सब जानते हैं कि सभी शॉपिंग करके कुछ ना कुछ खरीद कर लाते हैं, और इस दिन बहुत सारी शक्तियों को एकत्रित करने का प्रयत्न किया जाता है। ये भी जानते हैं कि इस दिन लक्ष्मी से रिलेटेड हम सामान खरीदते हैं। आप सब जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था, तो उस समय हमने धनवंतरी वेद की प्राप्ति हुई थी। धनतेरस कुछ इस ढंग से मनाया जाता है कि जिससे हमें बहुत सारा धन प्राप्त हो जाए, जिससे कि हमारे निवास पर कभी लक्ष्मी की कमी ना रहे। तो इसे रिलेटेड हमने कुछ चीजें यहाँ पर देखनी है कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें, क्योंकि यदि आप कुछ गलत खरीद लेते हैं तो उसका नुकसान भी आपको उठाना पड़ जाता है। जहाँ लाभ मिलता है वहां पर नुकसान भी होता है। पहले आपको एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ कि धनतेरस वाले दिन माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा भक्तों पर बरस सकती है। माँ लक्ष्मी विशेष रूप से आप पर कृपा कर सकती है। अमृत का इस समय प्रवाह होता है, तो यदि हम अमृत का प्रवाह देखें तो इसीलिए बर्तन खरीदे जाते हैं। बर्तन खरीद कर उनको आप निवास स्थान पर रखा जाता है, परंतु बहुत सारे लोग नहीं जानती हैं कि बर्तन कौन से खरीदा जाए। क्या कांच के बर्तन खरीदना सही रहेगा, क्या एल्युमिनियम के बर्तन खरीदना सही रहेगा, ईमंदन स्टील के बर्तन खरीदना भी सही रहेगा। देखिए बर्तन तो सभी सही हैं, परंतु यदि आप पीतल के बर्तन इस दिन खरीदेंगे तो आप सबसे ज्यादा लाभ कमाएंगे। पीतल के बर्तन यदि आप इस दिन खरीदती हैं तो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चांदी के बर्तन ले सकती हैं, पीतल के ले सकती हैं, सोना खरीद सकती हैं। इन सब चीजों से आपको लाभ मिलेगा, परंतु वही बीमारी फैलाने वाले एल्युमिनियम के बर्तन आपको नुकसान दे सकते हैं। डिस्पोजल कांच के बर्तन आपको नुकसान दे सकता है। क्यों? क्योंकि उनमें रॉब होता है। उनमें ऐसे भी हम देखें, लाल किताब के अनुसार देखें, भारतीय ज्योतिष के अनुसार देखें, तो एल्युमिनियम का राहु का कर्जा है। हमें यदि हम एक तरह से राहु की शक्तियां अपने निवास पर ले आते हैं, तो आपको मोटा मोटा समझाने का अपने प्रयत्न करें तो वो वही है कि आप यहाँ तो सोना खरीदिए या चांदी खरीदिए, या फिर आप सबसे अच्छे बर्तन जो हैं वो पीतल के, तांबे के, और उसके नीचे स्टील के, उसके नीचे बहुत कम शक्ति यदि आपने लेनी है तो आप डिस्पोजल बर्तन भी ला सकते हैं, तो नुकसान भी हो सकता है उनसे। परंतु यदि आप चाहते हैं कि हम बहुत आगे बढ़े, जिंदगी में लाभ मिले, यदि हम इस दिन धन बर्तन लेने ही जा रही हैं, या इस दिन कोई हम मनाने का प्रयत्न करने ही जा रही हैं, तो हम ऐसा कुछ लेकर आए जो हमारी शक्तियों को बढ़ाए, जो हमारे वाइब्रेशन इफेक्ट ठीक हो के हमें जो तेज मिली, हमें लाभ मिली, तो वो है सोना, चांदी, स्टील के बर्तन, या तांबे का बर्तन, या पीते का बर्तन। आप इस दिन यदि अपने परमात्मा के लिए भी बर्तन खरीदते हैं, यदि आप अपने निवास पर भोग तो लगाते हैं, यदि इस दिन भोग के लिए भी बर्तन खरीदते हैं, तो बहुत अधिक लाभ मिल सकता है आपको। आप अपना परमात्मा को जिस थाल में खाना रखकर परोसते हैं, भोग लगाते हैं, उनको कहते हैं कि हे प्रभु, आपके सम्मुख हमने नवत दे रखा है, कृपया कर ग्रहण कीजिए, हमारे घर के सारे भोजन को अमृत बना दीजिए, अमृत बरसने लगे। तो यदि इस प्रकार से आप करती हैं, और आपको पता हुआ कि आपने निवास स्थान पर गंगा जल भी रखते होंगे छोटी सी मटके में, और यदि आप पानी भी रखते होंगे, तो आपको चाहिए कि इस दिन खरीद कर लाए, तो आप देखेंगे कि वह चल अपने आप में बर्तन हो जाएगा।
यानी यदि कहीं आप इस दिन तांबे की गर्वी में कहीं से अमृत ले आए या गंगाजल ले आए या किसी मंदिर गुरुद्वारे से जल ले आए, तो आपने कलश ले लिया अमृत का भरा हुआ। मान लीजिए यह वही अमृत है जो समुद्र से निकला था या वही कलश है जो समुद्र से निकला था, तो बात हमारी शक्तियों की होती है, बात हमारी भावनाओं की होती है और प्रभु उसी भावनाओं के अनुसार हमें लाभ दिया करती हैं, उसी भावनाओं के अनुसार हमें शक्तियाँ दिया करती हैं। तो यदि आप शक्तियाँ प्राप्त करना चाहती हैं, यदि आप परमात्मा की वाइब्रेशन प्राप्त करना चाहती हैं, तो हमें उसी दिशा में बहना होगा, उसी दिशा में हमें कार्य करना होगा, उसी प्रकार से कार्य करना होगा ताकि उस प्रकार की शक्तियाँ हमें मिले, हम आगे बढ़े और जिंदगी में हमें लाभ मिले। धन अभी कमाना चाहती है, यदि आप चाहती हैं कि ये जो खास दिन है दिवाली तक, यदि खास दिन चलेगी इसकी शक्तियाँ आपको मिली, तो मैं कहूँगा कि एक तो आप मटका लीजिए छोटा सा, उसमें कहीं से जल भर लाइए, आधा भर लाइए किसी मंदिर गुरुद्वारे से, फिर आकर उसमें गंगा जल मिलाकर लक्ष्मी माता के पास रख दीजिए और कोशिश कीजिए कि पूरा साल उसमें जल खत्म ना हो, उसमें जल मिलाती रहे और उससे आप जल भी ले सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने परमात्मा के भोजन या भोग लगाती हैं, उन बर्तनों को भी इस दिन चेंज कर दें। यदि घंटी ला सकते हैं अपने पूजा रूम के लिए, छोटी सी घंटी भी ले आएं और सिंदूर की डिब्बी भी ला सकते हैं। इसी प्रकार से आप अपने बर्तन ला सकते हैं, तो ये सब कुछ आप ले आइए। यदि आप सोना खरीदने वाली हैं, प्रसाद दिवानी हैं, तो शुरुआत इस दिन से कर सकती हैं, सोना खरीद सकते हैं, चांदी खरीद सकते हैं। तो यह मंगलकारी दिन होती हैं जब आपको परमात्मा की शक्तियाँ बड़ी आसानी से मिल सकती है, क्योंकि इन दिनों में परमात्मा ने झोली खोल कर रखी होती है और जब हम वाइब्रेशन अपने अंदर प्राप्त करती हैं तो परमात्मा की वाइब्रेशन सीधे हमारे अंदर आती है। यानी सबसे अहम, यदि आप सोचे कि मैं तो इतना कुछ बताया जा रहा हूँ, सबसे मुख्य है छोटी सी मटका पीतल का, एक दो इंच का हो चाहे, उसमें थोड़ा सा मंदिर से जल भरकर, गंगा जल भरकर रखना, या उसके बाद पूजा रूम के बर्तन, उसके बाद अपने किचन के लिए कोई बर्तन, इतना कर लीजिए। फिर देखिए कितनी तेजी से आपको लाभ मिलता है, कितनी तेजी से आपकी स्वर्ग के द्वार खुलती हैं, कितनी तेजी से सब रुके हुए कार्य संपन्न होते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि धनतेरस को क्या किसी को उपहार देना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल देना चाहिए। यह छोटी सोच बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम किसी को उपहार दे देंगे तो भाई हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमात्मा की शक्तियाँ, परमात्मा की भक्ति, परमात्मा की लाए बांटने से ही और बढ़ती है। यदि आप किसी को बर्तन देते हैं या गिफ्ट देते हैं, तो आपकी शक्तियाँ, आपकी किस्मत उसके पास जाने वाली नहीं है, बल्कि उल्टा देने से जो कर्म बनेंगे उनसे किस्मत और उज्जवल होगा। तो इसलिए छोटी सोच मत रखिएगा, किसी को बर्तन दे देंगे तो नुकसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। दिल खुले दिल से यदि आप किसी को देना चाहते हैं बर्तन, तो दीजिए, बिल्कुल भी विचार मत कीजिए कि बर्तन देने से नुकसान होगा। और अपने निवास पर भी ले आइए, यानी कि आप सोचे कि हम किसी को उपहार दे रहे हैं तो उपहार दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक आशीर्वाद होता है बड़ों का, यहाँ पर आपने कहा जो कि दूसरों को देते हैं, इस आशीर्वाद रूप दीजिए। इतना समय बताया है, तब कीजिए, आपको बहुत अधिक लाभ होगा, बहुत अधिक शक्तियाँ मिलेंगी। ये आपका दृढ़ विश्वास है और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके साथ ये सब कुछ होने वाला है, आप ये जरूर कीजिए। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।